स्वागत है आपका नई वीडियो में। अभी लास्ट एक दो वीडियो से मेरा GoPro का माइक थोड़ा सही नहीं था, जिसकी वजह से साउंड अच्छी नहीं आ रही थी। तो इस बार मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ फॉर यू गाइस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, एक पुराना ब्रिज है यहीं अल्बेनिया में, और काफ़ी ग्रीन पानी था और सराउंडिंग काफ़ी अच्छी थी। सो गूगल पे हम लोग देखे यहाँ पे आ गए हैं, और ब्रोकन ब्रिज है ये। बट थोड़ा फोटोज़ क्लिक करने के लिए अच्छा लग रहा था, सो हम लोग यहाँ आए हैं अभी। और कार हमने साइड में सड़क पे पार्क कर दी है, और नाउ वी आर गोइंग डाउन। थोड़ा सा नीचे उतर के जाना पड़ेगा इसके लिए, एंड थोड़ा सा मैं वरिड भी था, कार थोड़ा दूर खड़ी कर दी थी क्योंकि यहाँ पे आप यू कैन सी ज़्यादा जगह नहीं है, और एक कार ऑलरेडी खड़ी थी, तो आई थॉट कि कार ले आई जाए। यहाँ एक मोटर होम भी खड़ा है यहाँ पे। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। भाई हम लोग आ गए ब्रिज पे। अब तो ये वैसे ब्रिज पूरा फिक्स कर दिया है, इसमें कोई भी टूटा सेक्शन मुझे तो दिखा नहीं, ये पूरा फिक्स था। अब हम जा रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। बस वहाँ जाके भी ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो फोटो खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। चलो भाई, फोटोज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, नाउ वी आर गोइंग बैक टू द कार। बढ़िया जगह थी बट। अब हम लोग आ गए हैं सिटी सेंटर में, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था यहाँ पे, इंडिया की तरह ही लोग इधर उधर से आ रहे थे। थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा था, तो थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे, क्योंकि यूके में तो थोड़ा प्रॉपर ही फॉलो होता है। यहाँ पे भी प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, बट एक दो लोग थे जो इधर उधर आ रहे थे। बट हम लोगों ने कैसे तैसे करके पार्किंग ढूंढी एक मॉल के अंदर, और गाड़ी पार्क करी मॉल में, एंड हम लोगों ने, हमारा आज इंडियन खाने का प्लान बना। और पूरे अल्बेनिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ हम लोग गए थे, और उस रेस्टोरेंट का नाम चक्रा रेस्टोरेंट है, जो कि बिल्कुल सिटी सेंटर में ही है, जस्ट मॉल से बाहर निकलते ही। और मस्ट ट्राई, इतना सही खाना था उसका। यूके में भी आज तक हम लोगों ने इतना अच्छा इंडियन फूड नहीं खाया है, इतना अच्छा उसका खाना था। सो नाउ वी आर इन द चक्रा रेस्टोरेंट। ये इनका एम्बियंस है, और यहाँ पे भाई संजीवनी जी बैठी हैं, और हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है। ओवरऑल बढ़िया वाइब आ रही है। तो भाई अब हम लोगों ने ऑर्डर तो कर दिया, अब बैठे हैं, और हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सो जल्दी से खाना वाना खा के निकलते हैं। हाँ तो भैया, अब हम आ गए हैं एक सोविनियर शॉप पे, जहाँ से हमने सोचा कि फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह ली जाएँ, अगर और कुछ पसंद आता है तो वो भी लिया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे बंकर्स के छोटे छोटे मिनिएचर से, दैट इज़ बिकॉज वॉर के टाइम पे काफ़ी सारे बंकर्स बनाए थे ऑल ओवर द कंट्री, और वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी हम आगे वहाँ एक बंकर में भी जाने वाले हैं।
तो भाई अब हम आ गए हैं बंकर्स हार्ट, जो कि तिराना में है, और तिराना अल्बेनिया की कैपिटल है। सो ये बंकर्स बेसिकली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाए गए थे पूरी कंट्री में, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और उसमें से दो बंकर विच इज़ इन दी विद इन द सिटी, सिटी सेंटर में ही है ये। इन लोगों ने इसको प्रिजर्व करके थोड़ा सा आर्ट इंट्रोड्यूस करके एक नए फॉर्म में उसको निकाला है, जिस प्रिजर्व किया बेसिकली, जस्ट लाइक फोर्ट्स और अदर हिस्ट्री जैसे प्रिजर्व करते हैं। सो दिस इज़ अ बंकर। सो ये सिटी के अंदर से इसका एक पैसेज जा रहा है और आगे जाके ये ओपन हो जाता है, मतलब ओपन है। और ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के बने हुए हैं, सो काफ़ी पुराने हैं। और ये इन्होंने मतलब इसमें से बंकर में से ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, जैसा का जैसा था वैसा का वैसा इन लोगों ने प्रिजर्व कर लिया है। और बंकर में जाने के लिए कुछ आई थिंक 8 यूरो की टिकट है पर हेड। और अभी हम लोग बंकर के अंदर आ गए हैं, और ये देखो, ये डोर को देखो, इस डोर को देखो, ये डोर इतना मोटा है कि इसको तोड़ने में भी मतलब काफ़ी मुश्किल है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और एक गेट नहीं थे, मतलब इस बंकर के अंदर घुसने के लिए काफ़ी सारे गेट्स बनाए हुए थे, जिससे कि अगर बाई चांस एक गेट को तोड़ के कोई आ भी जाए सो उसको सेम मेहनत वापस करनी पड़े। एंड दिस इज़ द शावर एरिया, आई मीन टॉयलेट एंड द शावर एरिया। और इन्होंने साउंड प्रूफिंग इस तरह से कर रखी है, और फील, लुक एंड फील इस तरह से दे रखी है दैट यू विल फील, मतलब ये ऐसा आपको लगेगा कि अभी भी फंक्शनल बंकर्स हैं एंड यू आर एक्चुअली इन दैट सिचुएशन और सिनेरियो जहाँ पे अभी बाहर वॉर हो रही है और आप अंदर फंसे हुए हो। इसमें सब स्कूल्स वगैरह एवरीथिंग वाज देयर, एंड ये इंडिपेंडेंट थे कि आप इसमें 6-6 महीने तक अंदर रह सकते हो। एंड दिस इज़ द ऑफिसर रूम जिसमें पूरी सिचुएशन है। उसके अंदर रेडियो भी बज रहा है, सैटेलाइट फोन्स जो से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो उस तरह से ही आ रहे हैं कि दैट यू विल फील लाइक यू आर इन दैट सिचुएशन। दिस इज़ द रेडियो आई एम टॉकिंग अबाउट। ये यहाँ का वो बेडरूम है ऑफिसर बोला है ना, 106 रूम्स है। हाँ, तो दो आर लाइक बाथरूम है, रूम है, एंड देन द ऑफिस एरिया जहाँ पे वो लोग बात बात करते हैं। ये जो भी ऑफिसर रहता होगा उसका बेडरूम हो गया, ऑफिस हो गया। ये जो आवाज आ रही है ना वो इस बंदे की है। वेपन वगैरह, बंदूकें वगैरह रखी जाती होंगी यहाँ पे। ये देख, मास्क होते थे यहाँ, बॉटल, वाटर बॉटल, टिफिन बैग। ये मैप हो गया, ये अल्बेनिया का मैप हो गया। ये बुलेट्स, ये बुलेट्स के लिए वो राइफल्स को होल्ड करने के, हाँ, कार्ट्रिज होल्ड करने के लिए। ये कैप्स वगैरह, उनकी हैट देख, ब्लड में हो रही है ये, एज इट इज प्रिजर्व कर लिए इन्होंने। ये भाई यहाँ के इनके ट्रांसमीटर कंट्रोल रूम है एक तरह से, पूरे फोन वगैरह, वो टी टी टी। हाँ, रिप्रेजेंटेशन कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, पूरा जा रहा है लाइन से। ये स्टाफ के रूम है, वो सारे ऑफिसर्स के थे। हाँ, तो ये स्टाफ के रूम्स हैं, सबके एक बेड लगा होता था, एक टेबल कुर्सी। महात्मा गांधी को भी फॉलो करते हैं ये लोग भाई। फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं करते क्या पता। नहीं, महात्मा गांधी ने लिखा था का कोट कोटेशन यूज कर रखी है, तो इन्होंने यहाँ पे यूज करके क्रेडिट दे रखा है ना। बाकी प्रिजनर, हाँ, ऐसे कर गए, ऐसे बंद करते थे। एक दो पीसेस मिसिंग है क्योंकि ऐसे तो निकल जाएगा बंदा, बट फेयर ना। हाँ,
इन्होंने फोर्सफुली लिटरेशन पढ़ाने के लिए एजुकेशन कंपलसरी करी, तब ये चीज़ चालू करी। तो बेसिक लिटरेसी का ही फोकस था इनका। डिग्रीज भी लगी हुई है जो इनकी, डिप्लोमा लगा हुआ है, सर्टिफिकेट लगे हुए। ये सही जगह है। ये इन्होंने अभी किया लग रहा है। भाई पाइपलाइन जा रही है। दिस इज अल्बेनिया। ये देखो ये सारे बंकर है। ये बहुत ज्यादा मतलब छोटे बंकर बना रखे, काफी सारे कोई बड़े बंकर बना रखे हैं ताकि फूल लोग अंदर छुप सके, क्योंकि केमिकल और काफी एक्सपोज होती है। तो भाइयों ये है हॉल इनका, यहाँ का असेंबली हॉल। वॉशरूम भी है यहाँ पे, भाई अंदर का मार्केट भी है यहाँ पे। तो अंदर मतलब पूरा हाँ, कुछ नहीं, क्योंकि जब तक वॉर चल रहा है तब तक अंदर ही रहेंगे। अंदर ही रहना है हाँ। तो उसके लिए सब कुछ है यहाँ पे, बेसिक जो नेसेसिटीज होनी चाहिए इंसान की पूरी, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कर दी है। स्कूल कर दिया अपने, कंट्रोल रूम्स कर दिए, शॉप कर दी, मतलब डाइनिंग एरियाज है, तो भाई ये सारे वो यंग बच्चे हैं जो फोटो नहीं लेके खड़े होते प्रिजनर वाली, हाँ प्रिजनर के टाइम पे वो वाली सब फोटोज देखो। डेमोक्रेसी जब इनकी हुई थी तब प्रिजनर्स बनाया था इनको, तब के हैं ये। है ये क्या है? ये देखो भाई गेट देखो इनके, तो बंकर्स भी बहुत है ना, हाँ।